डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर कहता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है, आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल। तो ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाइए? बराबर के नहीं, मैं जन्नत में भी लाइन बड़ी रही है, बहुत लंबी रहेगी। आप बोले मुझे पहले जाने का तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा आएगा ना। हाँ के नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। जी कोई भाई, ये सेंटर से हमारे भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये मैं जज़ाकअल्लाह। जी डॉक्टर साहब एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आए। क्योंकि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो आप अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा, बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है और ना ही जो है ना रिश्वत हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों को देखोगे, आप अमेरिका गए? नहीं मैं गया हूँ। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दिया मेरा वीजा। जब मैं पहले पहले जाता था 2000-3000 आते थे, जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिए। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा आप बोलो मुझे? रफी भाई जी जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवाद हूँ? नहीं बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम अज कम अमन तो चाहती है, अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, वो मेरे मेजबान है, मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बुलाया तो सही। आपके अमेरिका तो डरती है मुझसे, क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुस्से बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कुछ भी गलत गुस्से बसर करो वहां गुस्से बस। आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी नंगी औरतें की तस्वीर है, गुस्से बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में, वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है, गाड़ी बेचने के लिए बीएमडब्ल्यू का नाम सुना है? बीएमडब्ल्यू जी जी सुना है। हाँ बीएमडब्ल्यू के आगे मैंने देखा ना एंड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइवर नाउ, टेस्ट ड्राइवर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तान ही जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता, होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है, पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फैयाश है वो आपके घर में घुसता है, आप समझ रहे? जी जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते,
आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं, कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियन ऑफ डॉलर में होता है, रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा लगती है, 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे, आपको शायद गिनती देख रहे, 1 बिलियन 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या $1 मिलियन। अरे बट $1 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको शायद पता नहीं होगा। $1 मिलियन कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, $10 लाख, 10 लाख डॉलर। $1 मिलियन कितना है? तो $10 लाख। $1 मिलियन कितना है? 10 करोड़ होंगे, पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है, वही तो बोल रहा मैं आपको। $10 मिलियन सर, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपये हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते, 30 करोड़, 3 बिलियन, समझे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन वहां पे सुनिए मेरी बात, ये जो फलस्तीन में इसराइल को इतना पैसा दिया जाता है, $1 बिलियन, $7 बिलियन मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या ना, उसके अंदर होगा क्या ना? होगा। पूरे लोग का पैसा, अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं, आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या? नहीं है क्या? नहीं जी, बिल्कुल मैं हूं। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहे हैं। कौन रहने के लिए? अल्लाह के, अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में, हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुरा है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यहां 1000 गुना बेहतर है, वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है, आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना? आप तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेगी तो जाएंगे क्या? नहीं, जरूर जाऊंगा, यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ गलत, पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है ना? जी पाकिस्तानी। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है, आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, टेंस ऑफ थाउजेंड हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगु सुनने के बाद, उनने अपनी अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए, टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। माय रफी, आप मानते क्या खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर कहता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला, क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया, तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है, आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल, तो ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाइए, बराबर? नहीं मैं जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आप। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो
इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा आएगा ना। हाँ कि नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। जी कोई भाई ये सेंटर से, हमारे भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये मैं